ज्यादा कुछ मांग रहा है। यहाँ रक्षा मंत्री जी है, मनीष तिवारी जी हो गया ना इनका विषय। एक मिनट राम गोपाल जी प्लीज। अध्यक्ष जी मुझे 31 साल वकालत करते हो गए और कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है, पर शायद आज पहली बार किसी कागज को बगैर संज्ञान में लिए मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी मैं 4-5 चीजें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला सवाल यह है अध्यक्ष जी, दैट कैन द प्रोसीजर ऑफ द एथिक्स कमिटी ओवरराइड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ एवरी जस्टिस सिस्टम इन द वर्ल्ड। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है, ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री मुहा मित्रा को और ना उनके किसी वकील को, उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में दो चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमिटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमिटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। द एथिक्स कमिटी एट बेस्ट कैन मेक अ रिकमेंडेशन दैट वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और अ पर्सन इज इनोसेंट। इट इज दिस हाउस सिटिंग एज अ ज्यूरी विच हैज द पावर्स टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, मिस्टर स्पीकर। सो देयरफॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द एथिक्स कमिटी इज फंडामेंटली फ्लॉड इन माई रिस्पेक्टफुल सबमिशन। ओके, तीसरा अध्यक्ष जी, आज सारी पार्टियों ने 3-लाइन व्हिप इशू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। टुडे दिस हाउस इज सिटिंग एज अ जज एंड अ ज्यूरी इन एन इंपीचमेंट प्रोसीडिंग, और व्हेन यू आर कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ द प्रिविलेजियस कमिटी और यू आर कंसिडरिंग द एथिक रिपोर्ट ऑफ द एथिक्स कमिटी,
Can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this House should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this House. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honourable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven tyranny. Okay. So therefore, the अध्यक्ष जी अभी मैं खत्म नहीं हुआ अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूँ रिपोर्ट्स में तो मैं आया भी नहीं हूँ जरा सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स वी आर नॉट सिटिंग As Parliament today, we are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Sir, please. एक मिनट माननीय सदस्यगण ये संसद है ये कोर्ट नहीं है ये आप सीनियर हैं आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें आपके बहुत विनम्रता के साथ साढ़े चार मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर अध्यक्ष जी न्यायाधीश नहीं हूं अध्यक्ष जी सभापति हूं अध्यक्ष जी मैंने पिछले साढ़े चार पौने पांच साल में कभी आपकी बात नहीं काटी आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं टुडे वी आर सिटिंग एज अ ज्यूरी वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स My next question, Mr. Speaker, sir. Mananiya Sadasya, ek please. Is judiciary mein aur sabha mein antar hai. Aap varishth abhivakta hain. Main yahan nirnay nahi kar raha. Yahan nirnay sabha kar rahi hai. Aap no galat tarike ke tarkon ko yahan par mat rakhiye. No. Ye record mein jati hai cheeze hain. Aap galat tarike se main nyayadhish nahi hu. Main sabhapati hu. और निर्णय करेगी सभा निर्णय करेगी ने दिया और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा इसलिए आपने हमने तो थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो हमने तो विप किया सभा निर्णय एक मिनट प्लीज एक मिनट बैठिए ये सभा निर्णय कर रही है और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है प्लीज मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूं क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है कैन ही बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इश्यू करते हैं यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर दिस इज द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस इट इज द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर बीइंग थ्रोन टू द विंड्स इन दिस हाउस I would urge you, Mr. Speaker, sir, that the whip needs to be withdrawn because we are sitting as a jury. The whip needs to be withdrawn. आप अभी डिस्टर्ब अध्यक्ष जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है अपना विवेक अपना कॉन्शियंस अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है हीना गावित जी मैं अध्यक्ष जी अगली बात पे आता हूं एक मिनट आप कंक्लूड कर दो अध्यक्ष जी संविधान की धारा 105 Article 105 of the Constitution gives powers, privileges, and immunities to members of Parliament. I want to read out Article 105-2. Mr. Speaker, sir, Article 105-2 says, no member of Parliament shall be liable
to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, vote or proceedings. Mr. Speaker, sir, 105(2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity. I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the House. And he cannot even be, his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is, when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called into question in this August chamber? Can this August chamber override the Constitution? Mananiya Sabhapati Mahoday, bahut dukh ho raha hai ki aaj hame aise vishay par yahan ek second. Aap boliye. Itne dijiye. Adhyaksh ji, my humble submission is, can this August House override the founding document of India which has brought this house into existence? And the answer is no. Article 105(2) gives immunity, absolute immunity, for anything done in the House. And my last point, Mr. Speaker, sir, when the Supreme Court of India interpreted Article 105(2) in P.V. Narasimha Rao's case, they clearly and absolutely said that anything done in this House, even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law. So therefore, Mr. Speaker, sir, these proceedings should not have been held, and I would urge you to withdraw. बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें